हर तरफ जो है मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी की चर्चा है। पूरे हिंदुस्तान ने याद रखे, पूरी दुनिया कहते हैं 2700 करोड़ रुपया इस शादी में खर्चा हुआ। 2700 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी से 140 करोड़। तो पूरा पैसा तो मुकेश अंबानी के पास है, तो लोग खरीदने तो क्या होंगे। चलो ठीक है, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, शादी मुबारक। लेकिन कभी क्या इतने अमीर मुकेश अंबानी ने गरीबों के बारे में क्या सोचे? इतनी गुरबत हिंदुस्तान में आए कि लोग अपना ठीक से इलाज नहीं करा सकते, सरकारी अस्पताल में लोग जान दे देते हैं बीमारी से, उनका इलाज नहीं हो पाता। कितने लोग ऐसे हैं जो खाना नहीं खा पाते 3 वक्त का? कितने लोग ऐसे हैं जो अपना एजुकेशन पूरा नहीं कर पाते गुर्बत की वजह से? अरे ऊपर वाले तुमको दिया है ना, तो लोगों की फर्क करो। ये सब तो शादी में फजूल उड़ाते चले जा रहे हो। 2700 करोड़ कुछ होता है? साला हम 3 रुपये मेहनत करते हैं ना, तो 200 रुपये भी कमा पाते हैं। 2700 करोड़ दो चार महीने में उड़ा दे। और उसके अलावा शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया, आमिर खान हो गया, तो बड़े बड़े गिफ्ट दे डाले। क्या जरूरत थी गिफ्ट देने की? वैसे ही इतना अमीर है, उसको गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? वही पता करिए, वही पार्टी होते। जाओ जाके देख लो मुंबई में तुम्हारा नायर हॉस्पिटल, तुम्हारा जे हॉस्पिटल कैसे कैसे करीब आते हैं उधर, जाके देखो। और उनकी मना करो जाके, पढ़े अमीर बनने वाले। और एक बात है, शादी करो, खर्चा करो, लेकिन 2700 करोड़ कुछ होता है कि नहीं यार? गवर्नमेंट के पास भी इतना पैसा नहीं रहता है। 2700 करोड़ रुपया, अरे ये पूरी दौलत मुकेश अंबानी के पास है। आज बस भिखारी है, लेकिन इनको सोचना चाहिए कि हमारी गलती है। अभी भगवान ने दिया है, अभी अल्लाह ने दिया है, तो किसने दिया है? लोगों की मदद करने के लिए दिया है, उनके है जो अलग भी ले नहीं दिया। तो सोचो समझो और गरीबों की मदद करो, जरूरतमंद है उनकी मदद करो प्लीज। जितने मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में आए थे, मैं आपको बोलता, खुद मुकेश अंबानी को भी बोलता हूँ कि गरीबों की मदद करो, पैसा बुजुर्ग पास उड़ा, नहीं तो एक चीज साफ होगा।